गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे क्लास 10th केमिस्ट्री, माय सेल्फ रितेश सिंह। हम चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने केमिकल इक्वेशन और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया था। और उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ाना शुरू किया था, जिससे मैंने 3 टाइप्स के बारे में बता दिया था, जिसमें पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहा था, उसमें मैंने एक एक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था, एक्टिविटी सीरीज क्या होते हैं। फिर मैंने कई सारे मेटल्स के ऑर्डर बताए थे, किन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और किन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, और कैसे रिएक्शंस होते हैं, कौन किसको डिस्प्लेस करता है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दो रिएक्शन इन विच एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, एंड कैटायन पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जिसके बारे में क्लास 9 में मैंने बताया था। क्लास 9 में कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के बारे में लिखवाया था, याद भी कराया था, पूछा भी था। एक टॉपिक था पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में, ठीक है। आप टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विच प्लेसेस म्यूचुअल फॉर्मिंग टू इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड। इसमें क्या होते हैं, दो कंपाउंड्स होते हैं, एक कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा, उसमें पॉजिटिव मतलब पॉलीटॉमिक आयन होगा और एक नेगेटिव पॉलीटॉमिक होगा। दूसरा कंपाउंड बना, उसमें पॉलीटॉमिक क्या होंगे, दो पॉलीटॉमिक होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। उनके बीच क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिप्लेस करके नेगेटिव से जुड़ जाता है और नेगेटिव नेगेटिव रिप्लेस करके पॉजिटिव से जुड़ जाता है। इस तरह का म्यूचुअल एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल से वर्ड में कहा जाए तो हम जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, हायर मेटल का जो एटम होता था वो लोअर मेटल एटम को डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड बनाता था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही मेटल का पार्टिसिपेशन होता है। इसमें दो कंपाउंड होते हैं, दोनों का पार्टिसिपेशन होता है और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। जैसे एक रिएक्शन है जनरली एज फॉलोइंग रिएक्शन ए बी में, सपोज ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, इसमें ये पॉजिटिव, सी पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये क्या होगा, मेटल होगा, मेटल कंपाउंड होगा, ये क्या होगा, एनायन होगा। एनायन में कोई भी कह सकते हैं, या तो नॉन मेटल भी हो सकता है या कंपाउंड होगा जो नॉन मेटल की तरह बिहेव करने वाला होगा, ठीक है। वैसे ये पॉजिटिव है तो मतलब ये मेटल होगा और ये नेगेटिव मतलब एक कैटायन है, कैटायन है तो क्या होगा, कैटायन वाला इस वाले कैटायन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसके प्लेस को हटा देगा। और किसके साथ, अब पॉजिटिव यहाँ पर डिस्प्लेस किया तो यहाँ पर डी नेगेटिव, यहाँ ए बी ए पॉजिटिव, दोनों कंबाइन कर क्या बनेंगे, ए डी बी, अब बी पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में, तो ये दोनों हट गए, तो ये सी वाला और बी वाला फ्री हो गया। तो सी वाला एक पॉजिटिव है, बी वाला क्या है, एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करके बनाएगा सी एन बी। सी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब हमेशा जब नया भी कंपाउंड बनेगा तो कैटायन एंड एनायन का कॉम्बिनेशन तब भी रहेगा। मतलब कि सिंपल से है कि ए रिप्लेस करेगा सी को और सी रिप्लेस करेगा ए को, या कह सकते हैं सी आके बी के साथ कंबाइन होगा और ए आके डी के साथ, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ अपना आयन को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, मैंने क्लास 9 में आपको इस लेबोरेटरी में ले गया तो मैंने इक्वेशन कराया था आपको, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया था, वाइट वाइट सोल्यूशन बना था, फिर हमने मिक्स किया तो कैसा हो गया, मिल्की सोल्यूशन बन गया था दूध जैसा। और फिर हमने क्या किया, कुछ टाइम बाद मिल्की सोल्यूशन फिर ट्रांसपेरेंट हो गया और नीचे वाइट वाला पार्ट बैठ गया, तो वही वाला देखिए रिएक्शन है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसमें कौन कैसे डिस्प्लेस करता हम देखते हैं। तो हमने क्या लिया था, सोडियम सल्फेट लिया था, सोडियम सल्फेट को वाटर में मिलाया, तो वाटर में मिलाने से क्या बना, सोल्यूशन एक्वस बन गया। एक्वस सोल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट एक्ट एज ए वाटर, ठीक है, सोल्यूट कुछ भी हो सकता है। सोडियम सल्फेट का हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया, फिर बेरियम क्लोराइड का हमने भी एक्वस सोल्यूशन बनाया। एक्वस सोल्यूशन मतलब कि हमने क्या यूज किया, वाटर। फिर इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पे क्या हुआ, सोडियम ने जो सोडियम है पॉजिटिव वाला पार्ट है क्या करेगा, बेरियम वाले पॉजिटिव पार्ट को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड NaCl। बताया था क्या बनता था, सोडियम क्लोराइड जो ट्रांसपेरेंट होता था, मैंने बताया था सोल्यूशन
नमक का सोल्यूशन कैसा होता, ट्रांसपेरेंट या ट्रू सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता था। अब बच गया बेरियम, बच गया और सल्फेट होता, बनता क्या था बेरियम सल्फेट, और किस फॉर्म में बनता था, ये सॉलिड होता था, और सॉलिड होता था क्या नीचे बैठ जाता, देखते थे हम नीचे बैठ जाता था, तो बेरियम सल्फेट क्या होता नीचे बैठ जाता था, वो किस कलर का दिखता था, व्हाइट कलर का दिखता था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं पीपीटी, लिखा होगा व्हाइट पीपीटी, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ जाए, ठीक है उसे ही कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, टू कॉमन टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट दो तरह के कॉमन रिएक्शन होते हैं, पहला होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन मतलब कि पीपीटी वाला रिएक्शन, और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम क्लास चैप्टर सेकंड में जब एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि इस टॉपिक का है एक बार। तो पहला होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या होता है दोज एक्वस सोल्यूशन, यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट बढ़ा सकते हैं, दोज एक्वस है, ये क्या है एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ टू साल्ट आर मिक्स्ड टुगेदर वेयर बाय सम साल्ट प्रेसिपिटेट एंड आउट डाउन आउट ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू साल्ट। इसमें क्या होता है कि दो सोल्यूशन जो है दो साल्ट सोल्यूशन होते हैं तो हम जब मिक्स करते हैं तो उसमें से क्या होता है एक दूसरे को म्यूचुअल एक्सचेंज द्वारा करके एक नए साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो क्या होता है नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल में ये जो था ये क्या था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल था, लेकिन और भी बताते हैं जैसे AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है किसके साथ सोडियम क्लोराइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बनाने बता दिया ना, सॉल्वेंट का भी यूज करेंगे क्या पार्ट, तो जब रिएक्शन होता है ये क्या है पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या है नेगेटिव पार्ट, ये क्या है पॉजिटिव पार्ट, ये पार्ट क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला क्या पॉजिटिव रिप्लेस करके क्या बनाएगा AgCl, क्या बनाएगा AgCl, और ये वाला किसके साथ कंबाइन करेगा इसके साथ कंबाइन करेगा, तो बनेगा क्या NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। तो AgCl से बनता है तो क्या होता है व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये कुछ टाइम बाद सोल्यूशन के नीचे बैठ जाएगा, मतलब जो भी हम जिस कंटेनर में ये रिएक्शन कर रहे होंगे वहां पे वो नीचे कुछ टाइम बाद बैठ जाएगा। अगला एक और रिएक्शन है कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, मैंने बताया था H2- इज सल्फाइड है, मैंने जब आयंस पढ़ा रहा था क्वालिटी का तो याद करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे पूछे थे, नहीं बता आप पीछे रिवीजन कर लीजिएगा। कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन का रिप्लेस करके क्या बनाएगा कॉपर सल्फाइड CuS जो सॉलिड फॉर्म में होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा H2SO4, ये क्या बनेगा H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। जो कॉपर सल्फाइड होता है क्या ब्लैक पीपीटी होता है, मतलब ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा, वो भी कुछ टाइम बाद सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा, तो ये होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब हम रिएक्शन करें तो कुछ हमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन मिले, मतलब नीचे तल में बैठा हुआ कुछ सब्सटेंस मिले, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, जब हम एसिड और बेस का कोई भी हम ले सकते हैं एसिड कोई भी बेस का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, एक साल्ट का बनेगा फॉर्मेशन और एक बनेगा वाटर, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे NaOH कीजिए बेस, बेस क्या होते हैं सिंपल जिनमें OH पाया जाता है OH आयन देते हैं, और एसिड क्या होते हैं जो H+ आयन देते हैं, ये वाला बात क्लास चैप्टर सेकंड में हम डिटेल में पढ़ेंगे एसिड बेस के बारे में, ठीक है थोड़ा थोड़ा जानते रहना चाहिए। NaOH बेस है ये HCl है, क्या करेगा सोडियम क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, Na क्या करेगा H को डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा क्या NaCl, ये क्या बना साल्ट कहते हैं ना कार्बन साल्ट NaCl, NaCl का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे क्या बनेगा H2O मतलब OH कंबाइन टू H फॉर्मेशन ऑफ H2O। ऐसे अगला एक रिएक्शन है SiKOH, ये भी क्या है बेस है, रिएक्शन किसके साथ किया है HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला इसको डिस्प्लेस कर देगा तो बनेगा क्या KNO3 KNO3,
फिर ये क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा, क्या बनेगा H2O। तो इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये होता है डबल डिस्प्लेट रिएक्शन में, पूछता है आप डिटेल में समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और भी क्वेश्चन इस पर आप लगाइएगा और अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, लैब बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।